अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है और पाकिस्तान प्रॉपर्टी डील्स के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने जा रहे हैं 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एनालिसिस के ऊपर। 250 स्क्वायर यार्ड के ओल्ड बीटी के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं उनके बारे में रेट एनालिसिस करेंगे कि उनके प्रीवियस रेट क्या थे और अब रेट्स क्या चल रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको प्रॉपर गाइड करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको मंथली एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो कितनी इंक्रीज़ की हैं और कितना डाउनफॉल आया है प्राइसेस के अंदर। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 250 स्क्वायर यार्ड के टोटल 9 पेशेंट्स हैं ओल्ड बी टी के अंदर, जिसके अंदर पेशेंट 1, 6, 8, 16, पेशेंट 12 अली ब्लॉक के अंदर भी 250 गज़ के प्लॉट्स हैं, और इसके बाद पेशेंट 16, 21, 22, 30 और जो है पेशेंट 32। ये टोटल पेशेंट्स हैं 9। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट 1 के अंदर। क्या रेट्स चल रहे थे प्रीवियसली और अब रेट्स के अंदर क्या है, आपको अगर वेबसाइट पर जो है वो नज़र आ रहे हो, रेट्स रेट्स जो हैं वो एक बनाई हुई है वो आपको नज़र आ रही होगी, और उसके अंदर जो प्रीवियस रेट थे वो 1 करोड़ 80 लाख से ऑनवर्ड 2 करोड़ के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता था, और अब जो प्राइसेस करंट रेट प्राइसेस हैं उसी के अंदर 165 to 185 आपको एक प्लॉट मिल जाता है जनरल। अगर हम एक अच्छा प्लॉट जो अगर आप कॉर्नर कैटेगरी या पार्क फेसिंग इससे भी अच्छा प्लॉट चाह रहे हैं तो उसकी प्राइसेस डिफरेंट है, क्योंकि वो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं नॉर्मल प्लॉट से, कि जनरल प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम प्राइसेस की डिफरेंस देखें कि कितना डिफरेंस पिछले 2 महीनों में इनके अंदर आया, तो ऑलमोस्ट 10 से 15, 15 से 20 लाख रुपए इन प्लॉट्स के अंदर कमी आई है। इसी वीडियो के अंदर आपको पेशेंट 1 की करंट डेवलपमेंट स्टेटस जो है वो भी देखने को मिल रही होगी, और ड्रोन शॉट्स कुछ ऐड हैं इसके अंदर वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो के अंदर आपको पेशेंट 6 के 8 के 16 के वो तमाम डेवलपमेंट स्टेटस जो ऑन ग्राउंड हो रहे हैं और आपको देखने को मिलेंगे, करंट फ्रेश फुटेज जो है ड्रोन इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्रीवियस रेट की बात करें तो प्रीवियस रेट जो था वो 1.20 से 1.40 के अंदर आपको 1.20 से 1.40 के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट 2 महीने पहले मिलता था। अब वही बड़ा प्लॉट जो है वो 1.10 से 1.25 की प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है, और जो प्राइस इसके अंदर डिफरेंस आया है वो 10 से 15 लाख रुपये आया, जो ऐसे कि आप पीछे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद पेशेंट 8 है। एट के अंदर 1.20 करोड़ से लेकर ऑनवर्ड 1.50 करोड़ तक आपको 2 महीने पहले प्लॉट मिलता था, और अब जो करंट प्राइसेस हैं पेशेंट 8 की वो 1.20 से 1.40 के अराउंड हैं, और इसमें भी 10 से 15 लाख का डिफरेंस आया है। अब अली ब्लॉक की तरफ मूव ऑन करते हैं। अली ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही है। अली ब्लॉक एक वाहिद ऐसा पेशेंट है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट घर जो हैं वो बने हुए हैं। और यहाँ पर भी 250 गज़ के घर बने हैं, और जैसे कि आपने पेशेंट 1, 6 और 8 के ड्रोन फुटेज देखे हैं वहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो नज़र आ रहा होगा। तो पेशेंट 12 अली ब्लॉक के अंदर जो प्रीवियस रेट था 2 महीने पहले वो 1.10 से 1.30 तक की प्राइस आपको काउंट होती थी प्लॉट की, और अब जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1.15 करोड़ तक का आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है, और जो प्राइस डिफरेंस आया इसमें भी 10 से 15 लाख का डिफरेंस आया है। अब पेशेंट 16 बिल्कुल मेन चीन एवेन्यू के ऊपर पेशेंट आता ही है, बिल्कुल करीब उसके पेशेंट है। और यहाँ से आपको प्रॉपर ग्रैंड मॉल का व्यू मिलता है, और इसकी जो प्राइसेस थी प्रीवियस टू मंथ पहले, लास्ट मंथ हम आपको अपडेट नहीं कर सके क्योंकि प्राइसेस के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन आ रही थी, इसकी वजह से आपको प्रॉपर अपडेट नहीं मिली। तो अब जो प्राइसेस अपडेट हैं उसके अंदर आपको प्रीवियस 2 महीने पहले 1.15 से 1.35 के दौरान आपको एक नॉर्मल जनरल प्लॉट अच्छा मिल जाता था, और करंट रेट जो अभी इसका चल रहा है वो 1.05 से 1.20 के अराउंड है, और इसके अंदर तकरीबन 10 लाख का डिफरेंस आया। मतलब जो प्राइसेस आपको 10 to 10 लिखने को मिल रही हैं वो मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पीछे 10 लाख आया और पीछे से ही 10 लाख ही नीचे गया। इसी तरह आगे पेशेंट 21 है। 21 बिल्कुल जो है बाउंड्री वॉल के साथ पेशेंट आता है। ये वाहिद ऐसे पेशेंट्स हैं पेशेंट 21, 22,
दोनों की मैं इकट्ठे बात करता जाऊँ, वाहिद ऐसे प्रिशन हैं जो मतलब सबसे सस्ते प्लॉट आपको 250 गज के प्रिशन 21 और 22 में मिलते थे, क्योंकि इसकी मेन वजह एक तो प्रिशन 21 में भी डेवलपमेंट अभी तक हो रही है, बाकी तमाम प्रिशन जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। प्रिशन 21 में एक घर बन रहा है और प्रिशन 22 में भी तकरीबन 2-3 कंस्ट्रक्शन जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एक तो ये थोड़ा मेन गेट से डिस्टेंस पर आता है, इसके डिस्टेंस भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैप बाय मैप आपको मेंशन होंगे। और अगर दोनों की बात करूँ तो मिनिमम टू मैक्सिमम 21 और 22 के अंदर ये दोनों प्रिशन बिल्कुल साथ साथ हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस रेट था वो 65 to 80 के अराउंड काउंट होता था, और अब जो रेट है वो मिनिमम 55 to 70 के अराउंड आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पर भी 5 से 10 लाख का डिफरेंस आया है। अब प्रिशन 30 है, प्रिशन 30 ये भी बिल्कुल मेन जी एवरेज पे प्रिशन आता है, और यहाँ पर जो रेट हैं वो तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ 10 तक के काउंट होते थे 2 महीने पहले, और अब जो रेट हैं वो 70 से लेके 95 तक आपको एक नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है, और यहाँ पे भी 10 से 15 लाख का डिफरेंस आया है। अब प्रिशन 32 की बात करें, प्रिशन 32 के अंदर बहुत रेट के अंदर कमी आई है, इसकी प्राइसेस काफ़ी बूम की थी लेकिन अभी के अंदर प्राइसेस के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन आई है। 65 to 85 के अंदर आपको पहले प्लॉट मिलता था, लेकिन अब तो आपको तकरीबन 50 to 80 लाख या 60 lakh to 80 lakh के अंदर आपको एक नॉर्मल जनरल प्लॉट मिलता है, और यहाँ पर 5 से 10 लाख का डिफरेंस आया। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको रेट एक्सप्लेनेशन दे दी है, लेकिन इसके अलावा मतलब रेट में 5-10 लाख कमी आ सकती है, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे बताने में, लेकिन ये तमाम जनरल प्लॉट्स के आपको मैंने रेट बताए हैं। जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं, पार्क फेसिंग हैं, मेन रोड, पार्क फेस, कॉर्नर के प्लॉट्स, उनके रेट नॉर्मल प्लॉट से ज़्यादा होते हैं, तो ये जनरल प्लॉट्स के रेट थे। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको मेंशन, उसकी एक अलग से वीडियो बनाने के बाद आपको मेंशन कर दिया जाएगा। और ये जो आपको पीछे रेट एनालिसिस की लिस्ट मिल रही है, अगर आप ये हासिल करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप, आपको इंशाल्लाह डेली मंथली ये चीज़ें आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड की जाएंगी, ताकि आपको मार्केट अपडेट मिलती रहे। और आपको मैंने तमाम रेट्स जो हैं वो प्रिशन के एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं अपने प्लॉट के हवाले से, आपके प्लॉट की क्या अपडेट है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, उसका पोजेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, और अगर पोजेशन अप्लाई कर दिया है तो बहरिया की तरफ से पोजेशन मिल चुका है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।